हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बी एड से फर्स्ट ईयर आपके पेपर टू दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन यूनिट वन का पार्ट टू पार्ट वन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अब हम पार्ट टू को डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे किसकी कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एडुकेशन कॉन्करेंट स्टेटस का मतलब क्या होता है और इसका यहाँ पे क्या लेना देना है एडुकेशन में उसका क्या स्टेटस है वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं तो इसका मतलब जानते हैं जो एडुकेशन है बेसिकली तीन लेवल पर फंक्शन करती है वन एट सेंट्रल लेवल अदर एट स्टेट लेवल एंड थर्ड एट कॉन्करेंट अब इन तीनों का मतलब क्या है कॉन्ट को हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस सबसे मेन चीज जो है वो यही है पहले लेकिन हम समझ लेते हैं कि स्टेट का और सेंट्रल का मतलब क्या होता है देखिए मैं अगर स्टेट की बात करूं जैसे कि अभी मैं हरियाणा स्टेट में रहती हूं है ना तो हरियाणा गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट है तो मतलब स्टेट के जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन हैंडल uh, कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर रहा है सेंट्रल की बात करूँ तो जिनका पूरा मतलब स्टेट्स जो हैं सारी उनकी चीज़ें हैंडल करना सेंट्रल का, का काम होता है लेकिन एडुकेशन जो पहले है ना वो सेंट्रल की अलग होती थी स्टेट की अलग Uh, फिर उसको क्या किया गया कि ऐसा होता कि मतलब डिफरेंट जो स्टेट्स हैं ना जैसे हरियाणा अलग है राजस्थान अलग है यूपी अलग है ये डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग एजुकेशन पॉलिसीज़ फॉलो होती थी लाइक किसी स्टेट के अंदर तो टेन प्लस टू सिस्टम फॉलो हो रहा है किसी स्टेट के अंदर टेन प्लस वन सिस्टम फॉलो हो रहा है किसी के अंदर एट प्लस टू सिस्टम फॉलो हो रहा है मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम हर स्टेट में फॉलो होते डिफे थे इससे क्या होता था कि कोई अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम आती थी फेस करने के लिए और यू मतलब एक यूनिफॉर्मिटी भी नहीं थी कि हर स्टेट में एक बच्चा अलग चीज़ पढ़ रहा है अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है तो इसके लिए क्या करा गया एडुकेशन को एडुकेशन को कौन स्टेटस में लिया गया यहाँ पे क्या होता है कि एक सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं एजुकेशन की सारी पॉलिसीज़ के लिए और स्टेट्स के अंदर सेंट्रल अपने डिसीजन इम्प्लीमेंट करवा सकता है मतलब हर स्टेट में एक यूनिक सिस्टम फॉलो होगा सबका सेम पैटर्न चलेगा जैसे आपने सबसे इम्पोर्टेंट आपने सुना होगा सीबीएसई के बारे में है ना अब ये जो सीबीएसई बोर्ड है ये है क्या असल में इट इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और आपने एच के बारे में सुना होगा है ना तो ये क्या है इट इज हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अब देखो ध्यान से दोनों में फर्क क्या है ये सेंट्रल है सेंट्रल जो है ना वो किसी भी स्टेट में चल सकता है हरियाणा का बच्चा भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ सकता है यूपी का बच्चा भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ सकता है अब सेंट्रल बोर्ड में फायदा क्या है कि जब स्टेट टू स्टेट वो चेंज होते हैं ना तो यूनिफॉर्मिटी रहती है जबकि कोई बच्चा अगर एच से पढ़ रहा है एच क्या है हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब उस पर्टिकुलर हरियाणा स्टेट के लिए ही वो सिस्टम फॉलो हो रहा है उसके रूल्स अलग हैं लेकिन सेंट्रल की बात करें तो हर स्टेट में जो भी स्कूल सी बी बोर्ड को फॉलो कर रहा है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम रहेंगे और वो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन चेंज करेगा वो सी की टीम यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो ये बेसिक है कि सेंट्रल और स्टेट को मिला के दिया गया था और इसी को हम क्या कहते हैं कॉन्करेंट स्टेटस और ये कब हुआ मतलब 1976 तक एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट था अगर मैं बात करूं कौन से ईयर तक 1976 तक हमारा एजुकेशन कैसा सब्जेक्ट था स्टेट सब्जेक्ट मतलब हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग फंक्शनिंग करती थी लेकिन उसके बाद फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट आता है और दी सेकेंड अमेंडमेंट आता है और नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में ही आया और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज लेके आता है एडुकेशन के अंदर और वो इम्पॉर्टेंट चेंज क्या है कि एडुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाता है ऐड कर दिया जाने का मतलब है कि अब सेंटर उसका डिसीजन ले सकती है स्टेट के साथ डिसीजनस लेके अब आपने रिसेंटली मैं बात करूँ देखो कोविड की सिचुएशन आई डिफरेंट स्कूल में बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि स्टेट और जो सेंट्रल है उन्होंने मिलकर ये सब डिसीजन लिए उनकी मीटिंग्स हुई कमेटीज़ बैठी उन्होंने डिसीजन लिए और उसके बाद एक कंबाइंड मतलब जो भी सबके लिए सही था वो कम्बाइंड डिसीजन उन्होंने लिया तो उनका कम्बाइंड डिसीजन था लेकिन सेंट्रल का डिसीजन फाइनल रहता है और वो हर स्टेट में फिर फॉलो होता है लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जो वो सेंट्रल बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं अदरवाइज क्या हो जाएगा जो स्टेट अपना बोर्ड है वो स्टेट अपना खुद का डिसीजन लेगा लेकिन सेंट्रल में वो हर स्टेट के लिए डिसीजन ले सकते हैं तो तीन इम्पोर्टेंट लाइंस पे हमारा जो एजुकेशन है वो क्या कर रहा था काम कर रहा था तो अभी हम सेंट्रल और स्टेट लिस्ट की बात करेंगे कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर अगर मैं सेंट्रल लिस्ट की बात करूं एजुकेशन में तो वो क्या कहते हैं इसके अंदर आपके रिसर्च सेंटर्स आते हैं साइंटिफिक या टेक्निकल असिस्टेंस आती है ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ये सब आता है मतलब आपके रिसर्च सेंटर आपके सेंट्रल में आएंगे मतलब सेंट्रल है केंद्रीय है उसके बाद साइंटिफिक और टेक्निकल की बात करें वो भी आपका इसी में आएगा सेंट्रल में फिर आपके ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स वो भी आपका इसी के अंदर आएगा पुलिस ऑफिसर हो गया प्रोफेशनल हो गया वोकेशनल कोर्स हो गए वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग्स हो गई सब आपका सेंट्रल के अंदर आएगा यानी सेंट्रल लिस्ट के अंदर यानी सेंटर इस गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेगी उस ये कौन कहता है एंट्री सिक्सटी सिक्स की कौन कह रहा है एंट्री सिक्सटी सिक्स में ऐसा लिखा हुआ है यानी उसके थ्रू हम ये बात बोल सकते हैं उसके बाद मैं बात करूँगी इसकी स्टेट की तो स्टेट लिस्ट में क्या आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज के ये दिखाते हैं दैट ये एक्चुअली डायरेक्शंस बताते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देता है स्टेट को देता है वो पॉलिसीज अडॉप्ट करें और एक सोसाइटी अच्छी सोसाइटी डेवलप करने में हेल्प करें तो इसके अंदर क्या है इट इट इंक्लूड्स राइट टू वर्क वर्क करने का अधिकार उसके बाद फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू फोर्टीन ये स्टेट भी फॉलो करती है जबकि ऐसा होने के बावजूद भी अभी भी इंडिया में फुली ये राइट्स एंजॉय नहीं की जा रही मतलब हर एक व्यक्ति इस राइट को मतलब अधिकार को नहीं फॉलो कर पा रहा है क्योंकि कई देखो कई जगह पर तो ये प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस ही नहीं है पता ही नहीं है कि ऐसा कोई अधिकार है भी और कई जगह पे है कि अवेयरनेस तो है बट क्या है कि कोई स्टेप उठाने वाला नहीं कोई बोलने वाला नहीं तो द पॉइंट इज गवर्नमेंट को ऐसा ट्राई करना चाहिए कि उसको वो लीगल राइट्स माने राइट राइट्स होते हैं कि हाँ अधिकार है तो वो अपना फॉलो कर सकते हैं नहीं भी लीगल राइट्स का मतलब क्या होता है कि वो उनको फॉलो करने ही करने हैं हर कीमत पर तो उनको क्या करना चाहिए लीगल राइट्स बना देने चाहिए तो हो सकता है कि पूरे सिटीजन इस राइट right को फॉलो कर पाए ठीक है द स्टेट मस्ट मेंटेन एंट्री मेन इंस्ट्रक्शन मतलब फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन वाली जो बात है ये हर स्टेट को मेंटेन रखनी चाहिए कंसर्न रहना चाहिए वो अपनी बच्चों के एजुकेशन के लिए अब बात करते हैं एजुकेशन ऑन द कंकरेंट लिस्ट का क्या क्या फायदा हुआ सबसे पहली जो फायदा है वो क्या हो यूनिफॉर्मिटी आई एजुकेशन के अंदर अब ये नहीं था कि हर स्टेट की अलग एजुकेशन है आप अभी भी देख सकते हो यूनिफॉर्मिटी है एक आपने खुद देखा होगा एक सीबीएसई और एक, एक सेंट्रल बोर्ड का बच्चा और एक स्टेट बोर्ड के बच्चे को डिफ्रेंशिएट किया जाता है सेंट्रल को ज्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि बराबर एजुकेशन है हमें नहीं पता वो स्टेट बोर्ड जो है वो किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किस तरह का रिजल्ट दे रहा है ये सब हमें नहीं पता उसके बाद किसमें इम्प्रूवमेंट आई स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट आई स्टैंडर्ड बढ़े एजुकेशन जैसे ही कॉन्करेंट सब्जेक्ट बन गया तो ऑल इंडिया लेवल का जो रिसर्च है फील्ड ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव होने लगी रिसर्च फाइंडिंग बेटर होने लगी अब मिलकर काम चल रहा था और आपको पता है जिस भी चीज़ में मिलकर काम चलता है तो वो उसका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगता है उसके बाद इमोशनल इंटीग्रेशन हुआ इमोशनल इंक्लूड किया गया एडुकेशन के अंदर क्योंकि एडुकेशन हमारी कंट्री में इमोशनल इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत है मतलब एकता की इमोशनली सब एक रहे तो उसके लिए भी हमारे किसने हेल्प करा इसी कॉन्करेंट लिस्ट में आने की वजह से हुआ और फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाया पहले फंड्स तो आते थे पर हम उसे ढंग से यूज नहीं कर पाते थे तो फंड्स जो आ रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके स्कूल के एनरिचमेंट के लिए प्रॉपरली यूज़ कर पाए ये सब क्यों हो पाया जब से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कॉन्क्रेंट लिस्ट में आया और फिर जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में सुना होगा और लेटेस्ट हमारी टू की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई है तो वो क्या है पूरे एक तरह से कंट्री पर फॉलो हो रही हैं मतलब हर स्टेट में फॉलो हो रही हैं तो इससे क्या है यूनिफॉर्मिटी मिल रही है उसके बाद लीडरशिप की क्वालिटी सेंट्रल गवर्नमेंट अब देखो जब एक किसी भी डिपार्टमेंट में एक लीडर आ जाता है ना तो क्या होता है उस वो डिसीजन ले पाता है नहीं तो सबकी चल रही है तो क्या करते सब अपनी अपनी मनमानी करता हैं और कुछ भी ढंग का नहीं हो पाता जैसे ही राइट्स किसको मिले लीडर एक कौन बन गया हमारे सेंट्रल पार्ट तो वो लीडरशिप आने की वजह से डायरेक्शन मिल पाई सुपरविजन हो पाई जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो इम्प्रूव कर पाया उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हो पाई एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ बनी ही नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट भी हुई अभी लेटेस्ट भी जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एंड इट इज़ ओनली ड्यू टू द रीज़न कि हमारा एजुकेशन जो टॉपिक है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ गया है तो आप समझ पा रहे हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में आना एजुकेशन का कितना ज़रूरी था और इससे कितने फायदे हुए और इससे हमने एक इक्वल टोरियन इक्वल मतलब एक इक्विलिटेरियन सोसाइटी बनाई इक्विलिटेरियन सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी ऐसा समाज जो इक्वल है जो मतलब अगर आप कहीं और जाओ तो आपको ये सुनने को ना मिले कि भाई तेरे जगह की एजुकेशन तो ना इजी थी इसीलिए तुम तो वहाँ पे स्कोर अच्छा कर पाया तो यहाँ पढ़ता ना तू तेरा स्कोर देख कैसा होता ये सुनने को ना मिले क्यों क्योंकि एजुकेशन क्या है हर जगह सेम है जो पेपर बनकर आ रहा है जो लेवल है जो बुक्स हैं वो सब जगह क्या है सेम तो ये फायदा रहा किसका कॉन्करेंट लिस्ट में हमारी एडुकेशन का आने का तो अगर आपके पास कॉन्करेंट लिस्ट एग्जाम में टॉपिक आता है तो आप इस सब चीजों के बारे में लिख सकते हैं और कि आपको आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक अगर स्टिल कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक like करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आर वीडियोज और नेक्स्ट पार्ट ज सुन एज पॉसिबल आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा थैंक यू